दोस्तों सांप एक रेंगने वाला जीव होता है जिसके पास पैर नहीं होते हैं। ये सांप बहुत ही लंबे होते हैं और दुनिया के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। और अगर बात करें इनके प्रजाति की तो इस दुनिया में इनकी लगभग 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 600 से भी ज्यादा प्रजातियां जहरीली होती हैं। आप सभी को पता होगा कि ये अक्सर जंगलों और पेड़ पौधों वाली जगहों पर घूमते हुए दिख जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सांपों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है और इनका यह मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसके 50 से 60 दिनों के बाद मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है और इस दौरान ये अपने अंडे देने के लिए एक सुरक्षित स्थान की खोज करती है ताकि कोई दूसरा जीव इसके अंडे को नुकसान न पहुंचा सके। तो जैसे ही इसे कोई सुरक्षित स्थान मिल जाता है उसके बाद ये अपना अंडा देना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मादा सांप एक बार में लगभग 10 से 15 अंडे दे देती है, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस दुनिया में सांपों की ऐसी भी प्रजातियां पाई जाती हैं जो अंडे नहीं बल्कि सीधे बच्चे को ही जन्म देती है, और कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जो बिना मिलन के अंडे देने में समर्थ होती हैं। तो जैसे ही अपने सारे अंडे दे देती है उसके बाद इन्हें हैच होने में लगभग 40 दिनों का समय लग जाता है। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और इस दौरान ये मादा अपने अंडों की खास सुरक्षा करती है, वो भी तब तक जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर न आ जाएं। तो जैसे ही 40 दिनों का समय पूरा हो जाता है उसके बाद अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बच्चे अपने दांतों से अंडों की परत को चीर कर बाहर निकलते हैं और इस तरह इन सांपों का जन्म होता है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं। और जैसे ही ये सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं उसके बाद मादा इन्हें छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद ये बच्चे अकेले ही अपने जीवन सफर पर आगे बढ़ते हैं और फिर अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए ये छोटे मोटे जीवों को खाना शुरू करते हैं, जिसमें चूहे, छिपकली, मेंढक और भी सारे छोटे मोटे जीव शामिल होते हैं। और इस बीच ये 2 से 3 बार अपनी त्वचा को भी बदलते रहते हैं और इस तरह ये 2 से 4 सालों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। और इसके बाद ये फिर से मिलन कर अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो इनका जीवन काल 15 से 20 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। और मेंढक का जन्म कैसे होता है जानने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।